हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो क्लास 12 बायो का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का ये पार्ट है, एस्क्रियासिस एंड फिलारिसिस, दो बीमारियां हैं। इन बीमारियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं वॉर्म्स के बारे में, क्योंकि इसमें जो पूरी कहानी है वॉर्म्स के ऊपर है कि वॉर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, ये देखो, ये वॉर्म है, ये दिखाई दे रहा है, ये वॉर्म्स हैं। दिखने में इंसेक्ट जैसे लगते हैं, कीड़े लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे लगते हैं, तो इनको हम वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो किंगडम होता है, जैसे पांच किंगडम होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लास 11th बायो में है, अगर आपने क्लास 11th बायो ठीक से पढ़ी है, तो पांच किंगडम होते हैं। उसमें किंगडम होता है एनिमल किंगडम, तो ये जो वॉर्म्स होते हैं ना, ये एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं, और इनकी वर्टेब्रे नहीं होती, बैकबोन नहीं होती इनकी। ठीक है, बैकबोन नहीं होती, इनका कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, खाली आप समझ लो इनका मुंह होता है, पीछे स्टूल पास करने के लिए जो इनका एक्सक्रीटा है उसको पास करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट पास करने के लिए पीछे एक एनस होती है, और ऐसे पूरा एक गट है। ठीक है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, तो ये बहुत कीड़े होते हैं, एक तरीके से कीड़े समझ लो आप इन्हें। ठीक है, ये हिंदी में कीड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनिमल किंगडम में आते हैं, लेकिन टेक्निकली ये इंसेक्ट नहीं होते, दिखने में कीड़े जैसे ही लगते हैं। और अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, मतलब आपको माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, और इतने बड़े भी होते हैं कि जैसे 5 साल का बच्चा होता है ना, इतने बड़े वॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े भी होते हैं। जनरली 3 तरह के होते हैं अगर ग्रुप्स की बात करूँ तो वॉर्म्स की। फ्लैट वॉर्म, जो एकदम फ्लैट टाइप का होगा, एक होता है राउंड वॉर्म। ठीक है, इनका जैसा शेप है, नाम से ही समझ में आ रहा, राउंड वॉर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है सेगमेंटेड वॉर्म, तो अभी इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो तीन कैटेगरी इनकी मेन, तीन ग्रुप में वॉर्म्स डिवाइडेड होते हैं। थोड़ा सा समझ में आ गया वॉर्म्स के बारे में, अब आपको समझ में आएगा कि अब जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां भी हम पढ़ रहे हैं, एस्क्रियासिस फिलारिसिस, ये इन वॉर्म्स की वजह से ही होती हैं। ठीक है, ये ऐसे दिखा देखने में कितने यक से लग रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा पानी में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ज़मीन के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, ज़मीन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, समुद्र की गहराइयों में प्रेजेंट होते हैं, ओशियन के बिल्कुल डीप में जाके प्रेजेंट होते हैं, तो हर जगह प्रेजेंट है, मिट्टी में बहुत सारे होते हैं। तो ज़्यादातर इससे जो बीमारियाँ होती हैं बच्चों को होती हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो मिट्टी से उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब देख लो, अब समझ में आ जाएगा। दो हमें वॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से बीमारियां हो रही हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो एक वॉर्म है एस्केरिस और एक है वुचेरिया। ठीक है, तो नाम बड़ा अजीब सा है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन मेन हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझना। तो ये दोनों ही एक तरह के राउंड वॉर्म है, अगर मैं बात करूँ दोनों ही राउंड वॉर्म है। मैंने बताया था ना आपको वॉर्म्स 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, एस्केरिस और वुचेरिया, दोनों ही राउंड वॉर्म है। इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से डिसीज होती है कॉज, जो भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो एस्केरिस की फोटो देख लो, ये है एस्केरिस। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है, राउंड वॉर्म है ना, मैंने बोला था राउंड है, देखो राउंड ऐसा होता है, राउंड वॉर्म। ठीक है, तो आप देखोगे मेनली एक्चुअली राउंड वॉर्म्स का मुंह होता है, एक इनकी बॉडी होती है, पीछे से इनका एक्सक्रीटा फेंकने के लिए एनस होता है। ठीक है, तो देख लो, देखने में ऐसा लग रहा है नूडल जैसा लगता है। ये बुचेरिया है, ये देख रहे हो, ये सांप जैसा लग रहा है। ठीक है, ये बुचेरिया, दोनों ही राउंड वॉर्म है, और ये दोनों ही इंसान के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड और है आपकी बुक में कि ये इस क्या है, हेलमिनिट्स। ठीक है, एक्चुअली जो वॉर्म्स होते हैं ना, वॉर्म्स देखो ऐसा है, हेलमिनिट्स, तो वॉर्म्स इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, हेलमिनिट समझ लो अपर कैटेगरी है, तो वॉर्म्स इसी के अंदर आते हैं, हेलमिनिट्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, हेलमिट्स क्या होते हैं, हेलमिट्स देखो वॉर्म लाइक पैरासाइट होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया ना, हेलमिट्स की कैटेगरी है एक वॉर्म। हेलमिट्स क्या है, वॉर्म लाइक पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों की बॉडी में रह के न्यूट्रिशन निकालते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं, ऐसा समझ लो। एक्चुअल में ये जो मैं बता रहा हूँ ना वॉर्म्स, ये हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं, अगर ये हमारे इंटेस्टाइन में आ जाए तो डिसीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, हमारा सब कुछ हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं, इंसान में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हमारे पेट में जाके वहाँ से हमारे इंटेस्टाइन में से अपना सामान निकालते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, खुद बड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट वो होता है जो किसी लिविंग बीन पे जाके उसका खून चूस के उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है। तो हेलमिंस क्या है, एक तरह वॉर्म लाइक पैरासाइट है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला हेलमिंस भी वही होते हैं,
बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत माइक्रोस्कोप, बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत माइक्रोस्कोप जितने भी हो सकते हैं, वही जो मैंने आपको वर्म्स के बारे में भी बताया वही सेम सेम चीज़ इस पर अप्लाई हो जाएगी। आते हैं बीमारी के बारे में, थोड़ा सा समझ में आ गया बैकग्राउंड है क्या, कहानी क्या है। अब देख लो जरा एस्केरियासिस ये क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये वाला जो वॉर्म है इसकी वजह से बीमारी कॉज होती है, नाम ही देख लो उसका, वॉर्म का नाम क्या है, एस्केरिस, तो इसी से बीमारी कॉज होती है एस्केरिस, ठीक है, इससे बीमारी जो कॉज होती है वो है एस्केरियासिस, ये उसी से है जो पीछे ही वॉर्म पढ़ के आए हम, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी में, एक्चुअल में क्या होता है जैसे मैं बताऊं, ये पेट में होती है, इंटेस्टाइन में वॉर्म आ जाता है, तो अब जैसे मान लो किसी भी इंसान को के पेट में ये राउंड वॉर्म आ गया एस्केरिस, अब क्या हो गया वो इन्फेक्ट हो गया, उस वॉर्म से वो कीड़े उसके पेट में आ गए, अब वो जब पॉटी करेगा तो पॉटी में वो कीड़े आ जाएंगे, अब वो पॉटी क्या होगा वो जो कीड़े आ गए उसकी पॉटी में वो फिर कीड़े निकल के सॉइल में आ जाएंगे, वहां का जैसे मान लो खेतों में जा रहा है आदमी, तो खेतों में जो आप वहां पे फिर क्या होता है फूड उगता है, तो उस फूड में भी आ सकता है वो, अगर पानी गंदा है ठीक है तो पानी में भी आ सकता है, तो कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से एस्केरियासिस डिसीज हो जाती है, ठीक है। अगर आपका खाना ठीक नहीं है, हेल्दी पर्सन को कहाँ से होगी, कंटेमिनेटेड वाटर की तरफ से, वेजिटेबल्स की वजह से, अगर अगर एक गंदे हैं वेजिटेबल्स आपके, फ्रूट्स आपके गंदे हैं, कंटेमिनेटेड हैं, किससे कंटेमिनेटेड हैं, इससे, ये जो वॉर्म मैं बता रहा हूँ एस्केरेसिस, ठीक है। ये कैसे आएगा यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, किसी इंसान के पेट में होता है ये, जब वो पॉटी करता है तो उससे फिर वो कंटेमिनेशन फैल जाता है सॉइल में, पानी में, वाटर में, अब सॉइल में आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर फ्रूट्स उग रहे हैं, वेजिटेबल्स उग रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है, इसलिए बोलते हैं जो सब्जियां हैं जो आप फल खाते हो हमेशा धो के खाना चाहिए, पानी हमेशा साफ पीना चाहिए, ठीक है, साफ पानी पीना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, मेनली हाइजीन की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रियों में हाइजीन की प्रॉब्लम है वहाँ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड विद इन द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉइल वाटर एंड प्लांट्स, जो मैंने भी आपको बताया वही चीज़ लिखी हुई है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें अगर ये बीमारी हो जाए, क्योंकि पेट में रहता है ये तो पेट को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में पेट में आती है ना ये जो पैरासाइट है, कहाँ जाता है ये जो वॉर्म है कहाँ आता है, आपके पेट में आता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को कैसे अफेक्ट करता है, देखो ये देख रहे हो, सॉरी ये एस्केरियासिस देख रहे हो आप, ये इंटेस्टाइन है आपकी, इंटेस्टाइन में ये देख रहे हो ये वॉर्म्स है, ये जो मैं ये वॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना एस्केरिस वॉर्म, ये वही है, ये देखो कितना देखने में कैसा लग रहा है, ये इंटेस्टाइन है पूरी और ये सारी नूडल जैसे लग रहे हैं, सारे कीड़े ही हैं, वॉर्म्स हैं, ठीक है, ये इस बीमारी की फोटो है, एस्केरिसिस बीमारी की फोटो दिखा रहा हूँ। अब आपको आइडिया लग जाएगा इंटेस्टाइन में कैसे आ जाते हैं, जब ये आ जाते हैं ना और ये जब भर जाते हैं पैरासाइट की तरह है, खून चूस के खुद बड़े हो जाते हैं, तो जब ये सिम्टम्स क्या करेंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी आपको, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पेन रहेगा आपको बॉडी में, मस्कुलर पेन होगा, मसल्स पेन करेंगी, फीवर आएगा आपकी बॉडी में, एनीमिया क्या होता है आपका खून की कमी हो जाएगी, ठीक है, आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपका रेड ब्लड सेल लो हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, फिर ये ब्लॉकेज भी कॉज कर सकते हैं इंटेस्टाइनल पैसेज में, कैसे करेंगे कॉज, देखो ये देख रहे हो ना आप इंटेस्टाइन, अब इतने ज़्यादा अगर ये बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा, इतने सारे अगर आ जाएंगे तो ब्लॉक तो हो ही जाएगी आपकी इंटेस्टाइन, इतना सब कुछ भर जाएगा, ठीक है, तो ब्लॉकेज कॉज करते हैं इंटेस्टाइनल पैसेज में, तो ये बीमारी है, ठीक है, मेनली ये हाइजीन के इश्यूज की वजह से होती है। अब दूसरी बीमारी जो आती है उसका नाम है एलिफेंटाइसिस और फिलारीसिस, एक ही नाम है, ठीक है, हिंदी में इसको कॉमन टर्म में हाथी पाँव भी बोला जाता है, क्यों बोलते हैं एलिफेंटाइसिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखो उसमें आदमी कंडीशन ना ऐसी हो जाती है, देख रहे हो ये नॉर्मल पैर है, ये पैर देख रहे हो उसका कहाँ जा रहा है, हाथी जैसा हो गया, इतना बड़ा पैर हो गया, ठीक है, तो उसको हाथी पाँव भी बोला जाता है, और इस तरह से हो जाता है, ये होता क्यों है इस तरह से, ये इतना फ्लू फूल क्यों गया है, क्योंकि देखिए एक ना फ्लूइड होता है लिम्फ, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में सिस्टम होता है ना, अलग अलग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी में, अगर आपने पढ़ा है ठीक से 9th 10th में तो आपको पता होगा, लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का असिस्ट करता है हमारी बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड चलता है लिम्फ, ठीक है, लिम्फ फ्लूइड चलता है, तो अगर लिम्फ फ्लूइड एक जगह पे ऐसे इसमें अगर भर जाए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये पैर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो इसमें भरा हुआ है ना, ये लिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। अब ये भी कैसे होता है अगर हम इसकी बात करें तो, ठीक है, ये कैसे होती है, ये इसकी वजह से होती है,
ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का राउंड वॉर्म है, जो पीछे पढ़ के आयो स्टार्टिंग में आपने पढ़ाया था मैंने आपको, ये देखो ठीक है, ये वही है ठीक है, वो चेरिया ठीक है। तो दो इसके टाइप्स हैं, इन दोनों से ही, ये दोनों नाम आपको याद रखने जरूरी है, वुलचेरिया ब्रोंकेफ्टी, वुलचेरिया मलाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। इसी से ये प्रॉब्लम होती है ठीक है, इसी से एलिफेंटेसिस प्रॉब्लम होती है। मैंने उसमें होता क्या, मैंने बोला था ना लिम्फेटिक सिस्टम जो आपका है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया था, जिसकी वजह से अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या चलता है, एक फ्लूड चलता है, लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूड फ्लो करता है, इसे बोलते हैं लिम्फ फ्लूड को। तो अब यहाँ अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मान लो कुछ रुकावट आ गई, तो फ्लूड यहाँ क्या हो जाएगा, धीमे धीमे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब फ्लूड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हालत ऐसी हो जाएगी जो अभी पिक्चर में इस इंसान की है ठीक है। अब ये फैलता कैसे है, देखो फैलता कैसे है, ये जो वॉर्म है ठीक है, ये वॉर्म क्या होता है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होते हैं ना वो स्प्रेड करते हैं, जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, इन्फेक्टेड होता है ना वो स्प्रेड करता है, वो अगर काट लेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ठीक है। तो जैसे कोई मच्छर है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये वाला वॉर्म है ठीक है, वो इन्फेक्टेड है इस वॉर्म से, तो क्या करेगा, अगर वो आपको काटेगा ठीक है, तो वो जो ये वाला पैरासाइट है उसके अंदर, ये वाला जो वॉर्म है ठीक है, ये वॉर्म पैरासाइट ही है, तो ये जो वुचेरिया पैरासाइट है ना, ये जैसे ही आपको काटेगा तो आपकी बॉडी में एंटर करा देगा, और फिर ये आपके लिम्फ सिस्टम में चला जाएगा, और जैसे ही लिम्फ सिस्टम में जाएगा फिर ये यहाँ पे लिम्फ सिस्टम को ब्लॉक करेगा, फिर एकदम से यहाँ पे फ्लूड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। और ज़्यादातर जो इसमें स्वेलिंग होती है ना, वो हाथों और पैरों की होती है ठीक है, कुछ केस में जेनाइटल्स जो होते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो, मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया है इजी लैंग्वेज में समझाने का इन दो बीमारियों को, जल्दी ही और वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो यार काइंडली उसको सबसे ज़्यादा शेयर जरूर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।